नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्योत्सना। आप सबका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं फिश दो प्याजा, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए बनाते हैं फिश दो प्याजा। ये फिश दो प्याजा बनाने जा रही हूं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फिश की जरूरत पड़ेगी। और इस फिश को हमने, ये 500 ग्राम है वजन के हिसाब से, और इसको मैं पहले मैरिनेट कर रही हूँ। तो इसके लिए कुछ मसाले लगेंगे जो मैं इन्हें डाल करके मैरिनेट करके 5-10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। तो ये है लहसुन, लहसुन का पेस्ट है। ये है अदरक, अदरक का पेस्ट है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। अच्छे से इसको कोट कर देना है। रेड चिली पाउडर है 1 चम्मच मैं दे रही हूँ। अब ये है हल्दी पाउडर, ये भी मैं इसमें दे रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। कुछ मसाले सूखे इसमें डाल करके मैं मैरिनेट कर रही हूँ। अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। नमक, नमक स्वाद अनुसार आपको देना है। और तीखी लाल मिर्च जो है वो भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो नमक हमने अपने स्वाद के अनुसार डाल लिया है इसमें। अब इसको मैं अच्छे से चला दे रही हूँ। तो ये हाथ से ही इसको मैं मसल दे रही हूँ पूरे मसाले को। तो मैं हाथ से इन मसालों को आपस में मिला दे रही हूँ, और मिला करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और साथ में मुझे, देखिए, ये गरम मसाले भी जाएंगे इसमें, तो इसको मैं सिलपट्टे पे पीस लूँगी। और ये काली मिर्च है 1 चम्मच, और 1 चम्मच जीरा है, इसको भी मैं सिलपट्टे पे पीस लूँगी। सिलपट्टे का पीसा हुआ का स्वाद अलग ही आता है। तो इसको मैरिनेट कर रही हूँ, अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ। अब मेरा मैरिनेट हो चुका है फिश, और हमने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और तेल भी गर्म हो चुका है। तो एक एक फिश मैं इसमें डालती जाऊंगी, ऐसे इसको दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो एक बार में जितना कढ़ाई में अटे उतना ही मुझे डालना है। और इस तरह से मैं इसमें बड़े बड़े पीस है, मेरी मछली काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैं इसमें 4-4 पीस करके डाल रही हूँ। और दोनों तरफ से उलट पलट करके मैं इसको सेक लूँगी। और ऐसा है कि मछली को डालने के बाद तुरंत छलनी नहीं लगाना चाहिए। छलनी अगर आप लगाओगे तो ये मछली कच्ची रहेगी, तो उठाते समय टूटने का डर रहता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट ऐसे पकने दो, और उसके बाद ही इसको पलटते हैं। ये दो प्याजा जो है, मैं बिल्कुल अपने घर में जैसे मेरी मम्मी बनाया करती थी ना, उस तरह से मैं बना रही हूँ। एकदम पुरानी रेसिपी है, और इसको आप अगर फॉलो करोगे तो घर में बच्चे बड़े सब खाएंगे, खूब पसंद से खाएंगे, बहुत अच्छे के साथ। और इसको आप चावल के साथ खाइए, फ्राइड राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, आपकी इच्छा, आप जिसके साथ खा लो। तो इस तरह से मैं एक तरफ से पलट दी हूँ, दूसरी तरफ से भी लाल होने तक मैं सेकूंगी, और सेकने के बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए, इस तरह से उलटते पलटते हमने दोनों तरफ से लाल लाल ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। देखिए, इस तरह से खूब अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन कर करके निकाल लेना है। अब इसी तरह मैं बाकी फिश को भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो एक बार में जितना अटे आप उतना ही डालो, और 2 मिनट के बाद ही दूसरी तरफ पलटना है, नहीं तो फिश क्या होगी, टूटने लगेगी। तो इस तरह से मैं फिश को डाल दे रही हूँ कढ़ाई में, एक बार में जितना आ रहा है। और फिर इस बैच को भी मैं उसी तरह से उलटते पलटते, जैसे इसको हमने तला है उसी तरह से उसे भी तल लूँगी। देखिए, ये मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया। तो फिश को हमने फ्राई कर लिया, ये भी दोनों तरफ से ब्राउन ब्राउन हमने कर लिया। देखिए, गुलाबी गुलाबी फ्राई करके निकाल दे रही हूँ। और दोनों बैच को तलने में मुझे, एक बैच को तलने में 10 मिनट लगा, इस तरह से दोनों बैच को तलते हुए हमें 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। मैंने उसी तेल को दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इस कढ़ाई में
एक सबसे पहले तेज़पत्ता डाल रही हूँ, और फिर आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच पीला वाला सरसों या काला वाला सरसों, जो भी है आप डालिए। इसको चटकने दूंगी और चटकने के बाद फिर मैं और डालूंगी सामान। तो ये पहले चटक जाएगा सरसों और मेथी, तो सरसों मेथी मेरा चटक रहा है। तब नहीं चटकने पे वो तीखापन आएगा आपके स्वाद में, मुंह में जाएगा तो कड़वापन लगेगा फिश के अंदर, जब इसकी ग्रेवी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए चटकना ज़रूरी है। अब मैं इसमें 3 प्याज डाल रही हूँ, 3 प्याज है मीडियम साइज़ के थे, 3 प्याज को मैं डाल करके अभी भून रही हूँ। इसको गोल्डन होने तक मुझे भूनना है, तो इसको मैं भून रही हूँ। प्याज देखिए पकने लगा है, तो अब इसमें मैं 1 चम्मच पूरा भर के, मैं 2 गांठ लहसुन का पीसी थी तो पूरा भर करके मैं 1 चम्मच और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, तो इन दोनों को मैं डाल करके भून रही हूँ जब तक ये लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए। 1-2 मिनट भूनने के बाद में फिर इसमें मैं टमाटर डालूँगी। अब इसमें मैं 2 बड़े टमाटर कट करके डाल रही हूँ, और टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। फिश के अनुसार तो मैं नमक डाली हुई हूँ, लेकिन टमाटर डालने के बाद मसाले के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी देना ज़रूरी है। तो प्याज और ये मसाले जो हैं, और फिर ये टमाटर जो है नमक डालने के बाद में गलना शुरू हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। इसी कढ़ाई में मैंने पीसा हुआ टमाटर नहीं लिया है। अब देखिए मेरे टमाटर भी गलने लगे हैं, तो इस समय मैं जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बनाई थी उसको भी डाल दे रही हूँ, और इसी के साथ मुझे कुछ और भी मसाले डालने हैं जो बेसिक मसाले हैं। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, बहुत तीखी वाली है, आप जितना तीखा खाना पसंद करोगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मिर्च को डाल लेना। और ये है धनिया पाउडर, तो इसे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, भर भर के डाली हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ। अब हल्दी है, हल्दी मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। अब सबको मैं मिला लेती हूँ, जिसमें हमने फिश को रखा था मैरिनेट करके, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल करके मैं उसका पानी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि वो मसाले उसमें कुछ बचे हुए थे। अब इस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी, इस मसाले को अच्छे से पकने दूंगी, और थोड़ा सा मैं पानी और डाल रही हूँ मसाले को पकाने के लिए। तो ये मसाले मेरे इसमें तब तक पक रहे हैं, और इसको मैं ढक दे रही हूँ। अब इस मसाले में मैं 2-4 चम्मच कर्ड डाल रही हूँ, 4 चम्मच मैं कर्ड दी हूँ, और कर्ड को डाल करके मैं थोड़ी देर चला लेती हूँ ताकि ये इसका जो ग्रेवी है वो फटे नहीं, दही नहीं तो फट जाता है, इसलिए इसको कंटिन्यूसली 1-2 मिनट तक चलाते रहें। और फिर हमने इसको चलाया इस तरह से, देखिए अब थोड़ी देर मैं इसको ढककर कुक कर ले रही हूँ। अब हमने मसाले तो मेरे पक गए हैं, अब हमने जो गरम मसालों को पीसा था उसको भी मैं अब ग्रेवी में डाल दे रही हूँ। और सच बताऊँ, ये पीसा हुआ जो सिलपट्टे का ग्रेवी गरम मसाला होता है, इसका टेस्ट ही एकदम अलग हो जाता है। पीसा हुआ ताज़ा मसाला दे करके और पीसी हुई पहले से रखा हुआ मसाला से, दोनों में काफ़ी अंतर आता है, एकदम खुशबू आ रहा है, मेरा किचन तो पूरा खुशबू से भर गया है गरम मसालों की। तो इस तरह से एक बार आप भी ये फिश 2 प्याजा बनाइए और खाइए, और अपने घर में सभी को खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए ये फिश की जो कड़ी है ये पक चुकी है अच्छे से, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये जो फिश 2 प्याजा है
अधिक ग्रेवी इसका नहीं रहता है, इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक होती है। अब इसमें मैं फिश को पीसेस को डाल दे रही हूँ इस तरह से। अब इस वक्त मैं इसमें थोड़े से धनिया पत्ता भी डालूंगी, थोड़े से ये कटे हुए अदरक हैं इसको मैं डाल रही हूँ, दो तीन हरी मिर्च है हरी मिर्च को भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसको लिड लगा करके दो चार मिनट के लिए दम पे पका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मेरी फिश बन करके रेडी हो गई है, देखिए देखिए हमारी फिश दो प्याजा बनकर के रेडी है, जो इस तरह से बनी। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी दिख रही है और खाने में भी वैसे ही मज़ेदार है। जितना अच्छा इसका लुक आया है उतना ही अच्छा ये खाने में भी लगेगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। यह हमारी फिश दो प्याजा बनकर के रेडी है, देखिए किस तरह से दिख रहा है।